नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 14 में पढ़ रहा हूँ यहाँ पर पूरा. साइको लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4,80,000 एंड द लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ द मिट्टल लिमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000. 20,000 वर पेड बाय द एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ मिट्टल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 months एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ साइको लिमिटेड. दोस्तों सेम क्वेश्चन है पहले की तरह. एग्जाम्पल नंबर 12-13 हम लोग पूरे पढ़े हैं अभी यहाँ पर. एग्जाम्पल नंबर 14 की बात मैं करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 14 में सन्ड्री एसेट्स आपके दे रखे हैं, लाइबिलिटीज आपको दे दी है. तो पहले की तरह आपका दोस्तों क्वेश्चन है, एसेट्स आपके ऊपर डालिए डेबिट साइड में, टू लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पर 80,000 आपको दे रखी है. उसके अलावा आपने यहाँ पर 3,20 तक का मित्र लिमिटेड का दे रखा है तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट आपका हो गया यहाँ पर, आपका 4,80 के एसेट्स मिले हैं. आपने 3,20 पेमेंट किया है पीसी जो लिखा हुआ है 3,20 का प्लस 80 का आपका यहाँ पर क्या है लाइबिलिटीज है, यानी कि 4,80 के लिए आपने टोटल 4,00,000 पेमेंट करा है जिसमें दोस्तों 80 के आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा होगा जो आपने बिजनेस खरीदा है प्लस 3,20 का आपने परचेस कंसीडरेशन दिया होगा. तो कुल मिला के आपका होगा 4,80,000 की पेमेंट के लिए. तो इसका मतलब क्या है कि 80 का यहाँ पर आपका कैपिटल रिजर्व हो गया. दोस्तों एक बात खास तौर से याद रहे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल का मतलब यह है कि बिजनेस परचेस करते वक्त जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो उसका मतलब गुडविल से है, और जो कुछ भी आपने पेमेंट कम करा है मेन अमाउंट से, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 20,00,000 रुपये का बिजनेस है सब मिला के सारे एसेट्स वगैरह मिला के 20,00,000 रुपये का है, और अगर आपने मान लो उसके पीसी प्लस उसकी लाइबिलिटीज मिला के अगर आपने 17,00,000 पेमेंट करी है सब मिला के, उसका मतलब क्या हुआ 3,00,000 रुपये आपका यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ गया. तो सेम गोज विद दिस पार्ट, यहाँ पे आपके 4,80,000 के टोटल एसेट्स बैठ रहे थे, 4,00,000 की पेमेंट बैठ रही थी, 80 का आपका यहाँ पर हो गया कैपिटल रिजर्व, जो कि एक तरह से आपका फायदा है बिजनेस परचेस करते वक्त. ओके नेक्स्ट दोस्तों उसी की तरह अगली एंट्री भी आपकी वही होगी जो कि आपके यहाँ पर 13 एग्जांपल में थी कि इन्होंने 3,20 की पेमेंट कैसे कैसे करी है. सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दिए हैं जो खास बात यहाँ पर दोस्तों दे रखी है कि इस पार्ट में इन्होंने बिल पेमेंट से पेमेंट करी है, बिल पेबल. दोस्तों बिल पेबल क्या चीज़ है ये मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, उसकी वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैं बाद में बनाऊंगा उसको डिटेल में देखिएगा. तो फिलहाल यहाँ पे बिल पेबल की पेमेंट यहाँ पे करिए 20,000 से बिल पेबल से, और उसके सॉरी बिल पेबल से पेमेंट करिए 20,000 से 3,20 की पेमेंट में. 8% आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए हैं 2,00,000 से, और प्लस आपने 1,00,000 से पेमेंट करी है यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम से. तो कुल मिला के आपका हो गया 2,00,000 प्रेफरेंस शेयर से गए, 1,00,000 आपका गया रिजर्व से, और प्लस आपका 20,000 गया बिल पेबल से, 3,20 की पेमेंट में आपका ये निकल के आ गया. तो गाइस उम्मीद करूंगा कि आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा. दोस्तों अगला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स में पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने पहले भी इसमें. कॉल्स इन अरियर्स का मतलब ये है कि अगर आपका 10 रुपये का अमाउंट ड्यू है उस 10 रुपये के अमाउंट में अगर मान लीजिए आपने 7 रुपये पेमेंट आपको मिला है, आपने मान लीजिए कंपनी आप एज ए कंपनी का कंपनी हो और आपने 10 रुपये कॉल डिमांड की है शेयर होल्डर से, उन्होंने आपको 7 रुपये दे दिए, 3 रुपये आपको नहीं दिए, वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो आपका अलॉटमेंट में हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल में या फिर आपका फाइनल कॉल में हो, किसी भी स्टेज पे जो आपका ड्यू पेमेंट से ड्यू अमाउंट से आपका कम मिल रहा है तो जो आपका बैलेंस अमाउंट जो नहीं मिला वो कहलाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स. अगर आपका एप्लीकेशन पे 4 रुपये अमाउंट ड्यू है और उस पर आपको 2 रुपये मिला है तो जो 2 रुपये आपको नहीं मिला वो कहलाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स. और एप्लीकेशन के टाइम पे अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए, फर्स्ट कॉल मिल जाए, फाइनल कॉल मिल जाए तो आपके लिए कराएगा वो कॉल्स इन एडवांस. तो दोस्तों यहाँ पे मैं कॉल्स इन एड्रेस की बात मैं कर रहा हूँ. पेज नंबर आपका देखकर 7.32. दोस्तों याद रहे कॉल्स इन एड्रेस रिकॉर्ड करने के आपके 2 मेथड प्रिस्क्राइब्ड हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. इन दिस केस यहाँ पे जो टेबल दे रखी है टेबल से ऊपर जैसे एक लाइन लिखी हुई है, इन दिस केस वी कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द 2 मेथड्स मेंशन अबव. मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एड्रेस अकाउंट बाई ओपनिंग द कॉल्स इन एड्रेस अकाउंट. दोस्तों विदाउट ओपनिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो कॉल्स इन एड्रेस का अमाउंट है वो कॉल्स इन एड्रेस के अकाउंट को खोले बगैर एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर. मीन्स अगर मान लीजिए अगर मेरी अलॉटमेंट के अमाउंट मुझे 2,000 रुपये मिलनी थी, सपोज कीजिए मुझे अलॉटमेंट का 2,000 का अमाउंट मिलना था, उस केस में अगर मान 1,700 मिला है तो मैं इसकी एंट्री इस मेथड के हिसाब से क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,700 टू शेयर अलॉटमेंट 1,700. मीन्स मैंने पैसे तो दो हज़ार का मेरा अमाउंट था उसमें से 300 रुपये डायरेक्ट माइनस कर दिया ऊपर नीचे दोनों तरह से, डेबिट से भी फिर आपका क्रेडिट से भी. तो दोस्तों ये मेथड तो आपका कहलाता है विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एड्रेस अकाउंट. अब सिंपली अगला मेथड क्या कहलाएगा, बाई ओपनिंग द कॉल्स इन एड्रेस अकाउंट. उस केस में आपका बिल्कुल उल्टा है, जैसे कि अगर मुझे 2,000 की जगह 1,700 मिले हैं अलॉटमेंट में तो 300 का मुझे अलग से कॉल्स इन एड्रेस का अकाउंट खोल लूँगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,700 रुपये से, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट 300 रुपये से टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 रुपये से. तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों में
लगभग एक जैसा ही है, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फर्क है। आप दोनों ही कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वर्ड उन्होंने एनी लिखा हुआ है। मैं फिर से वो लाइन पढ़ देता हूँ आपको, देखो, इन दिस केस वी कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द टू मेथड्स मेंशन अबव, मींस आप विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरर्स अकाउंट भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, आने वाले क्वेश्चनों को, बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एरर्स अकाउंट, मींस दोनों में से किसी मेथड को अडॉप्ट कर लोगे तो दोनों में ही बोर्ड के हिसाब से सही रहेगा आपका, विदाउट आपके मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है आप, तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। हालांकि दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस पेज नंबर आपको दे रखा है 7.33, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस आपका कोर्स में नहीं है, साफ साफ इन्हें ब्रैकेट बना रखा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस नॉट इन सिलेबस। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, कॉल्स इन एरियस का मतलब बता चुका हूँ कि मीन्स जितना ड्यू अमाउंट था उतना पैसा आपको नहीं मिला, तो जब आपको जो पैसा नहीं मिला उस पर कंपनी इंटरेस्ट मांगती है, वही आपका कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। मीन्स अगर मान लीजिए 4000 अमाउंट अगर शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू थे, उस चार में से अगर आपको 2000 मिले हैं, 2000 आपको नहीं मिले, तो 2000 के साथ जब आप कंपनी को दोगे 2000 रुपये, तो उसके साथ कंपनी आपसे इंटरेस्ट भी लेगी, वही कहलाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, नॉलेज के लिए काफ़ी है, बाकी ये आएगा नहीं टॉपिक इसमें बोर्ड में। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर है एग्जाम्पल 15, पेज वही है 7.33 पढ़ रहा हूँ मैं। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मीन्स 100 रुपये की मेन वैल्यू है, 5% आपका यहाँ पर प्रीमियम दे रखा है, यानी कि 5 रुपये का अकाउंट हो गया। पेमेंट वर्ट टू मेड एज 25 एप्लीकेशन से है, 45 आपका अलॉटमेंट से है, 35 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से है। दोस्तों 15,000 के प्रेफरेंस शेयर थे और यहाँ पर आपका हुआ है 25 आपका एप्लीकेशन से है, 45 अलॉटमेंट से है, 35 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से है। तो अच्छा एक बहुत जरूरी बात दोस्तों याद रहे, जब भी प्रीमियम के बारे में ये ना दे रखा हो कि प्रीमियम कौन सी स्टेज में दे रखा है, क्या वो एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट से फाइनल कॉल पे है, तो हम ये अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो प्रीमियम आपका है वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। दोस्तों याद रहे मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको कभी लगे कि प्रीमियम आपका कहाँ इंक्लूडेड है, तो आप टोटल में एडजस्ट करके देख सकते हो कि एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में, कहीं भी साफ साफ मेंशन नहीं क्वेश्चन में, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि वो प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो अलॉटमेंट वाले के साथ, अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ यहाँ पर इंक्लूडेड है। दोस्तों इसी केस में यहाँ पर मानूंगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अभी तक कुछ मुझे मेंशन दिख नहीं रहा है कि ये 5 रुपये का प्रीमियम कौन सा कहाँ पे दे रखा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 5 रुपये का प्रीमियम का अमाउंट आपका अलॉटमेंट के साथ ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पार्ट है द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स फॉर रिसीव एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। दोस्तों याद रहे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, 15,000 लोग आपने इशू करे थे, 14,000 आपको यहाँ पर सब्सक्राइब किए गए हैं, ठीक है, एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सब एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। All the money was duly received except the first and final call on 200 shares. दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं पहले बात इसी टॉपिक में बोल चुका हूँ कि आपको यहाँ पर 200 शेयर का इन्होंने अमाउंट दे रखा है कि 200 शेयर का आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो कॉल्स इन अरियर्स। दोस्तों ऊपर की एंट्री वैसे की वैसी रहेगी, बस यहाँ पे याद रहे कि एंट्री आप 15 से नहीं करोगे, आप 14,000 से एंट्री यहाँ पे करोगे। कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, वो ऊपर नीचे एंट्री कर देते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जितना भी लोगों ने आपसे सब्सक्राइब किया है आपको पैसा उसी का मिलेगा, तो जाहिर सी बात उसको आप रिकॉर्ड करोगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोस्तों पहली एंट्री पर बता देता हूँ मैं, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आपका बनेगा 14,000 × 25 से, ये आपका आ जाएगा। अच्छा एक बात जरूरी मैं आपको बता दूँ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि यहाँ पर कैशबुक बनाने को कहा गया है। दोस्तों कैशबुक के केस में यहाँ पर जो भी कैश की एंट्रीज होती हैं आप जनरल में रिकॉर्ड ना करके पर्टिकुलर कैशबुक में कर सकते हो। दोस्तों कैशबुक वही चीज़ है जो कि आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसकी भी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, तो डिटेल में आप वहाँ पढ़ लीजिएगा जिनको कैशबुक बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों मैं जनरल की बात यहाँ पर कर रहा था, कैश वाली जितनी भी एंट्रीज थी आप कैशबुक में पे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में कैशबुक के बारे में कहीं भी दे रखा है, जो भी इसकी ड्यू की एंट्री है और जो भी ट्रांसफर की एंट्री है वो सिर्फ आएंगी जनरल के अंदर। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर की एंट्री सीधा बना रहा हूँ, प्रिफ्रेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल 3.5 लाख से आ जाएगा। 3.5 लाख कैसे आए यहाँ पर, 14,000 × 25 से। दोस्तों याद रहे 15,000 कभी नहीं आएगा यहाँ पर आपका, 14,000 ही आएगा, क्योंकि 14,000 ही आपको मिले, 15,000 आपको नहीं मिले हैं, 15,000 आपने इशू किया, 14,000 आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अगली एंट्री देखो दोस्तों ड्यू की रहेगी, प्रिफ्रेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोस्तों अमाउंट आपका रहेगा 14,000 × 45 ऊपर डेबिट साइड में, फिर टू शेयर अलॉटमेंट 14,000 × 40 आ जाएगा अमाउंट, और 14,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम 14,000 × 5। दोस्तों ऊपर वाला अमाउंट आपका था 6,30,000, टू शेयर अलॉटमेंट आपका आएगा 5,60 से, 14,000 × 40 से 5,60 आपका आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 14,000 × 5 यानी 17,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट आपका ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, क्योंकि सारी कैश बुक कैश वाली एंट्री आपकी कैश बुक में बन रही है, तो जितनी भी ट्रांसफर और ड्यू की एंट्री है वो सब आपके यहाँ पर जनरल में आ जाएंगी। दोस्तों अगली एंट्री आपकी दे रखी है प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री बनेगी 14,000 × 35 जो कि आपके ड्यू की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 200 शेयर ऐसे हैं जिन पे आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको यहाँ पर नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, 200 × यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली जो अमाउंट आपकी 94 दे रखी है इसमें से आपका 60,000 का जो अमाउंट है वो आपका कॉल सेंट एड्रेस में आ जाएगा। दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल सही है, चाहे यहाँ पे आप कॉल सेंट एड्रेस का अकाउंट खोल दीजिए, चाहे यहाँ पर कॉल सेंट अकाउंट आप नहीं खोलिए, दोनों ही अपनी जगह सुटेबल हैं, दोनों ही परफेक्ट हैं, बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे उसके। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर में कॉल सेंट एड्रेस की सिंपल एंट्री दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कॉल सेंट एड्रेस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,000 रुपये। दोस्तों क्योंकि कैश बुक बना रखी है इसलिए यहाँ पर सिंपल ने कॉल सेंट एड्रेस की अकाउंट एंट्री डाल दी, जो कैश वाला पोर्शन था वो सिंपल कैश बुक में डाला है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा इस केस से फिर। अब दोस्तों अगला पार्ट आपका दे रखा है कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवांस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका, पहले ही मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। एडवांस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अलॉटमेंट के टाइम पर अगर आपको फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल का पैसा आपको मिल जाता है तो वो कहलाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस। मीन्स आपने यहाँ पर कॉल नहीं किया है, ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर ने पैसा आपको एडवांस दे दिया है अगली इंस्टॉलमेंट का, मीन्स अगले जो अमाउंट ड्यू थे उसका पैसा उन्हें एडवांस में दे दिया है। तो जब हम इंटरेस्ट जब हम कॉल्स इन एड्रेस के केस में इंटरेस्ट उनसे लेंगे तो जाहिर सी बात है कॉल्स इन एडवांस वाले केस में इंटरेस्ट उनको देंगे। तो आई गेस आपको ये बात समझ रहे होंगे कि जब कॉल्स इन एड्रेस हमारा हुआ था इसका मतलब क्या था कि पैसा हमें वहाँ पर नहीं मिला था। तो उस केस में क्या है कि आपने इंटरेस्ट लिया था शेयर होल्डर से, तो अब के वाले केस में क्या है कि कॉल्स इन एडवांस जब ऑलरेडी हमें एडवांस पैसा मिला है तो जो उसका इंटरेस्ट है अब की बार उनको हम दे देंगे। तो वही आपको आया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट दोस्तों याद रहे जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एड्रेस कोर्स में नहीं है वैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी आपका कोर्स में नहीं है। याद रहे सिर्फ कॉल्स इन एड्रेस एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस की एंट्री ही आपकी यहाँ पर आएगी एंट्री जनरल में अंदर। दोस्तों एग्जाम्पल 16 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, पेज नंबर आपका है 7.35। एग्जाम्पल 16 है चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोस। दोस्तों चंद्रा ने शेयर इशू कर रहे हैं, चंद्रा लिमिटेड ने शेयर इशू किया 40,000 जिसकी वैल्यू आपके 10 रुपये है। इसमें आपका दे रखा है एप्लीकेशन आपका है 1 मई 2015 को 2.5 रुपये से, अलॉटमेंट आपका 2.5 रुपये से पेबल ऑन 1 जुलाई 2015 में, फर्स्ट कॉल आपका पेबल है 1 अक्टूबर 2015 2 रुपये से, सेकेंड कॉल पेबल आपका है 1 फरवरी 2016 3 रुपये से। आगे दे रखा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, यानी कि जितने शेयर यहाँ पे दे रखे थे 40,000 शेयर थे जितने इशू किए गए थे उतने ही वहाँ पर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। फिर आपका दे रखा है एन अमाउंट रिसीव, सारा अमाउंट मिल गया है। मोहन हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अलॉट विद द अलॉटमेंट। मीन्स जो भी फर्स्ट एंड जो भी आपका जो मोहन एक करके बंदा है यहाँ पर उसके पास हम उसको 800 शेयर दिए गए थे उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। मीन्स एज पर द कंसेप्ट कॉल से एडवांस का दोस्तों यहाँ पर केस बनेगा क्योंकि उन्होंने क्या किया अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पर दे दिया है। 800 शेयर्स मोहन को दिए थे उन्होंने यहाँ पर अलॉटमेंट टाइम पर सारा पैसा यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आपका आएगा कॉल्स इन एडवांस। अब पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 40,000 के आपके टोटल शेयर्स थे, 2.5 रुपये की वैल्यू थी, इसका मतलब क्या हो गया आपको 1,00,000 रुपये अमाउंट आ गया। तो बैंक एंड 20 की बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,00,000 रुपये से दोनों तरफ आएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वो भी आपको 1,00,000 रुपये से आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल विद ड्यू की एंट्री सेम अमाउंट आपका दे रखा है 2.5 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ 40,000 × 2.5 कितना आपका आ गया 1,00,000 रुपये आ गया। फिर आपके यहाँ पर बैंक की एंट्री आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे पहले भी आपका क्वेश्चन में दे रखा था कि 800 शेयर्स आपके थे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको एडवांस मिले अलॉटमेंट के टाइम पर आपको एडवांस मिल गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो वही चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। कैसे करेंगे इस चीज़ को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। मतलब बैंक अकाउंट टोटल आपका जो भी कुछ भी आपको मिला है अलॉटमेंट मिला है प्लस 800 शेयर का आपको कॉल्स इन एडवांस मिला है, इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको 5 रुपये है, यानी कि 800 × 5 आपका 4,000 रुपये आ गया। वो आपका आएगा टू कॉल्स इन एडवांस में, टू अलॉटमेंट में आपका आएगा 40,000 × 2.5 यानी कि 1,00,000, यानी कि ओवरऑल अमाउंट का कितना हो गया 1,04,000, जिसमें कि 4,000 आपका कॉल्स एडवांस का है तो टू साइड मार है, टू शेयर अलॉटमेंट जो कि आपका 1,00,000 रुपये से, बैंक आपका आएगा 1,04,000 से। तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोस्तों उसका दूसरा एडजस्टमेंट आपका होगा जब आपको वो
अमाउंट एडजस्ट करोगे, जब बैंक में आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को एडजस्ट करोगे तब अमाउंट आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा मैं आगे बढ़ता हूँ उसे। दोस्तों अगली आपकी है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, वो कैसे बनेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 के यहाँ पे शेयर थे, 2 रुपये के अमाउंट है, 40,000 × 2 का 80,000 हो गया, तो ड्यू की एंट्री आपकी हो गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 से दोनों तरफ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कैपिटल। दोस्तों याद रखिए कॉल्स इन एडवांस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ सेकंड उसमें बैंक वाली एंट्री में। मैंने कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि इसका कुछ पैसा जो मुझे ऊपर मिल चुका ऑलरेडी अलॉटमेंट वाली बैंक की एंट्री में, वो जो ऑलरेडी पैसा वहाँ पर मिल गया है, वो कितना मिल गया है वो अब यहाँ से निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, 800 शेयर दोस्तों यहाँ पर 800 शेयर आपके यहाँ पर दे रखे थे लास्ट लाइन में, लास्ट सेकंड लाइन में दे रखे थे फर्स्ट और फाइनल कॉल में, जो कि आपको अलॉटमेंट मिल गए थे। अगर पर्टिकुलर फर्स्ट कॉल में एडवांस कितना मिला है वो आपका निकलेगा 800 × 2 रुपये से। दोस्तों कितना का मैंने 800 × 2 रुपये से, क्योंकि आपका इतना ही अमाउंट एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल के लिए, वो आपका अमाउंट हो जाएगा 1600 रुपये, यानी कि 4000 में से 1600 ने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आपका अमाउंट है, यहाँ पर अकाउंट दे रखा 80,000 दे रखा है ऊपर वाली एंट्री में, तो 80 में से आपने 1600 एडजस्ट कर दिया कॉल्स इन एडवांस का, जो कि आपको ऊपर अलॉटमेंट मिल गया था। बचा अमाउंट आपका कितना बैठ रहा है 78,400। तो दोस्तों आपको ये ट्रीटमेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को। आगे बढ़ता हूँ मैं, शेयर सेकेंड कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से वो आपका आया 40,000 × 3 से, जबकि मेन अमाउंट यहाँ पर ड्यू थी याद रहे 40,000 शेयर × 3 रुपये का आपका अमाउंट है फाइनल कॉल का। और फाइनली उस फाइनल कॉल में जो भी आपको एडवांस मिला था ऊपर अलॉटमेंट में, उसको भी आप यहाँ पर सेकेंडरी एडजस्ट करेंगे। वो एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, वो कैसे रहेगा। 1,20,000 का दोस्तों आपका अमाउंट ड्यू था, तो फाइनल कॉल में तो टू साइड में तो उतना ही आएगा, 1,20,000 में से आपको मिलकर 2,400 टू कॉल ऊपर जो कॉल्स एडवांस दे रखा है डेबिट साइड में, और ऊपर जो बैंक दे रखा है उसमें बैलेंस अमाउंट आपका आ जाएगा, जो कि आपका है 1,17,600। तो दोस्तों आपको यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप एक बार दोबारा इवेंट इस चीज़ को देख लीजिएगा। ओके दोस्तों अगला मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पर 17 है, 17 का दे रखा है ऑन 1st January 2017 एक्स लिमिटेड रिसीव इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 15/2/2017। दोस्तों याद रहे यहाँ पर आपको एडवांस रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के हिसाब से और 10,000 का शेयर से। हाँ जी दोस्तों फर्स्ट कॉल आपका यहाँ पर ड्यू हुआ था 15/2/2017 को, मीन्स 15/2/2017 तक आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट करनी थी, वो आपकी लास्ट डेट थी। लेकिन एग्जैक्टली पैसा वो कब रिसीव हुआ है, वो आपका हुआ है 1 जनवरी 2017 को, मीन्स ऑलमोस्ट एक महीने पहले से उसको पैसा मिल गया। तो कंपनी के लिए क्या कराएगा वो कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों वही एंट्री आपके बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 10,000 शेयर × 2 रुपये के अमाउंट से। फिर से बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 से टू कॉल्स इन एडवांस आपका 20,000 से। अब दोस्तों ये एंट्री तो तब बन गई जब आपने 1/1/2017 को करी, जब एग्जैक्टली आपका अमाउंट आपका ड्यू बैठ रहा था 15/2/2017 को, तो वो आपका बैठ रहा था कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दोस्तों याद रहे इन्होंने सिंपल एंट्री यहाँ पर करी है, और ये कॉल्स इन एडवांस पहले आपका ऊपर एडजस्ट हुआ है 20,000 से, और फाइनल जब आपको अमाउंट मिलना था तो आपका बाद में एडजस्ट हुआ है 20,000 रुपये से। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट आपका दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 18, सनराइज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 4,00,000। दोस्तों 4,00,000 रुपये यहाँ पर आपका अमाउंट दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है इन शेयर्स ऑफ 100 रुपये ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर 4,000 के शेयर्स हो गए। दोस्तों 4,00,000 की आपकी ऑथराइज कैपिटल है, 100 रुपये की आपके शेयर की वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा 4,000 आपके यहाँ पर शेयर्स हो गए। इट इशू 2,000 ऑफ सच शेयर पेबल एज परचेस ऑन पेबल ऑन एप्लीकेशन। दोस्तों एप्लीकेशन पर आपका दे रखा है 25, अलॉटमेंट पर आपका दे रखा है 25, 20 पर आपका फाइनल फर्स्ट कॉल है, और बैलेंस आपका है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मीन्स 25, 25, 50 और 20, 70, मीन्स 30 रुपीज़ का अमाउंट जो आपका है वो सेकेंड या फिर फाइनल कॉल में आपका होगा। आगे दे रखा है ऑल द मनीज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। दोस्तों सारा पैसा आपको यहाँ पे मिल गया है, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल 20 per share वाज मेड, 1 shareholder होल्डिंग 100 shares फेल टू पे द अमाउंट ड्यू एंड अनदर shareholder होल्डिंग 200 shares पेड देम इन फुल। दोस्तों याद रहे 100 share जो आपके यहाँ पर थे, जो आपका एक शेयर होल्डर के पास 100 share है, उसके ने क्या किया कि उसने पास उसने अमाउंट दिया नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हो गया कॉल्स इन एडजस्ट हो गया। और जो एक और शेयर होल्डर है इसके पास 200 shares हैं, उसने क्या कर दिया सारा पैसा दोस्तों एडवांस में दे दिया। दोस्तों एक ही एग्जांपल के अंदर दोनों ही के सब के दे रखे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा
और आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मैं शुरू करूँगा इस आंसर को। इसके सबसे पहले तो दोस्तों आपका 2000 शेयर जो कि इशू हुआ था, तो पहले इसकी एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन की एंट्री वही है जो पहले थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2000 शेयर यहाँ पर सनराइज लिमिटेड ने इशू किए थे, एप्लीकेशन की अमाउंट आपकी 25 रुपये है, तो 2000 × 25 50,000 से अमाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 50,000 से, फिर उसकी ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहा था एप्लीकेशन की, मैं एंट्री हम लोगों ने कर ली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हमारी हो गई थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपकी 50,000 से एंट्री है। मैंने बताया था ये आपको कि 2000 × 25 आपका कितना हो जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। ट्रांसफर वाली एंट्री आपकी हो गई, रिसीव वाली एंट्री आपकी हो गई। इसके बाद बात करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। दोस्तों अलॉटमेंट की एंट्री आपकी पहले वही बनेगी जो पहले आप जानते हैं इस चीज़ को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 × 25 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 50,000। आप रिसीव की एंट्री करेंगे वही रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 25 × 2000, ये आपका हो गया 50,000 से। दोस्तों अभी तक बिल्कुल नॉर्मल है जब तक पढ़ के आ रहे हो। इसके बाद आगे बात करेंगे, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 2000 × 20 आपका दोस्तों अमाउंट था फर्स्ट कॉल का, तो अमाउंट निकल जाएगा 40,000 रुपये। यह आ जाएगा फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 × 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 40,000 रुपये। अब आ जाइए दोस्तों लास्ट एंट्री में जो क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों याद है मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका एडवांस भी है और अरियर्स भी है। तो दोस्तों एडवांस और अरियर्स के केस में आप यहाँ पर इसमें अब या तो अलग अलग एंट्री कर लीजिए, या फिर आपकी वो एंट्री जो मैं पहले आपको बताई थी पहले उसमें भी इस वीडियो में बताई थी आपको कि एक जगह आपको कॉल्स इन अरियर्स भी आएगा, एक जगह कॉल्स इन एडवांस भी आपका आएगा। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर टू सॉरी कॉल्स इन एडवांस। तो दोस्तों यहाँ पर और ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, या तो आपको याद होगा मैंने बताया था पहले कि कॉल्स इन अरियर्स के दो तरीके हैं आपके, या तो आप अकाउंट आप खोल लीजिए या अकाउंट आप उसे नहीं खोलिए। तो दोनों तरह से यहाँ पर एंट्री दे रखी है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आपकी एंट्री बन जाएगी पहले केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, विच मींस कि हमने यहाँ पर जो कॉल्स इन एयर्स का अकाउंट है वहाँ पर आपने नहीं खोला है। मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप जो बैंक अकाउंट अभी छोड़ दीजिए, इसे एंट्री अमाउंट को छोड़ दीजिए, एंट्री कर लीजिए, फिर आपका आया टू फर्स्ट कॉल कितने से आएगा 38,000 से। दोस्तों याद है आपका जो फर्स्ट कॉल था वो 40,000 से आपका ड्यू था, लेकिन आपको मिला कितना यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है 100 शेयर, जिस एक शोल्डर के पास इसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 × 20 कितना हो गया 2000 रुपये। अगर दोस्तों यहाँ पर कॉल सीनियर्स का अकाउंट आप नहीं खोलते, उसका मतलब क्या हुआ कि मेन अकाउंट से आप उसको माइनस कर देंगे, विच मीन्स कि आपका 40,000 - 2 कितना हो गया 2000, वो कितना हो जाएगा 38,000, तो वो आपका आ जाएगा फर्स्ट कॉल में। तो फिर से मैं बोलूंगा चीज को कि जब आपने कॉल सीनियर का अकाउंट यहाँ पर नहीं खोला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 वाला पोर्शन है फर्स्ट कॉल का, उसमें से अमाउंट माइनस कर देंगे, वो आपको आ जाएगा 100 × 20 का मतलब क्या हुआ 2000 की बात कर रहे हैं, 40,000 × 20 - 20 का 2000 का मतलब क्या हुआ 38,000 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपका फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 38,000 रुपये। तो दोस्तों 38,000 तो कहीं आ गया, प्लस 2 कॉल सीनियर एडवांस का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड देम इन फुल, विच मीन्स कि आपके एक शेयर होल्डर थे 100 जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने तो आपको पैसा नहीं दिया, तो वहाँ आपका हो गया कॉल्स इन अरियर्स। लेकिन दूसरे केस में जहाँ के बाद 200 शेयर जिसको मैंने 200 शेयर्स दिए हैं, उसने आपको फर्स्ट कॉल के साथ साथ आपको एडवांस भी दे दिया, विच मीन एडवांस कितना आपका 30। मैंने आपको बताया था अभी कि आपके पास 25 एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर आपके पास फर्स्ट कॉल, 70 आपका सब मिला के था, बैलेंस आपके पास क्या हो गया फाइनल कॉल का 30 रुपये, तो आपको कितना आ गया 200 × 20 का मतलब क्या हुआ 6,000 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, विच मीन्स कि 2 कॉल्स इन एडवांस में आपका आएगा 6,000 रुपये। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों फिर से मैं कह दूं कि आपका फर्स्ट कॉल में विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस वाले पोर्शन में आप अमाउंट माइनस कर देंगे 2 वाले साइड से, और नीचे वाले में कॉल्स इन एडवांस आपका आ जाएगा 200 × 30, विच मीन्स आपके फाइनल कॉल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी एंट्री, ये एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, वो आपका आ जाएगा 44,000 से। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट साइड में बैलेंस आपका आ गया था 38,000 प्लस 6,000 एडवांस का, वो टोटल कितना हो गया 44,000, वो आपका आ जाएगा ऊपर डेबिट साइड में बैंक कॉलम में। तो आई होप कि आपका एंट्री से क्लियर हो गई होगी। ये आपका पोर्शन था विदाउट ओपनिंग वाला, अब बताता हूँ आपको मैं विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स वाले में। दोस्तों विद ओपनिंग में क्या करेंगे, आपकी एंट्री यहाँ पर दे रखी है, पेज नंबर आपका 7.38, आप चेक कर लीजिए। ऑल्टरनेटिव दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, छोड़ दीजिए उसको जो भी अमाउंट है अभी, कॉल्स इन एरियर्स। दोस्तों यहाँ पे फर्क इस चीज़ का ये है कि आपका जो कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है और जो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट है, आप उसको क्लियर दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना था और दूसरे केस में एग्जैक्टली कॉल्स इन एडवांस कितना है आपका है। तो बेस्ट वही है कि आप इसको दिखाएं, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी और मेक आपको उसमें डाउट भी है वो कम से कम रहेगा इस केस में। तो एंट्री सिंपल आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अभी बैलेंस निकालेंगे इसका, कॉल्स इन एरियर्स वो आपका आ जाएगा
100 इंटू 20, तो फर्स्ट कॉल आपका 20 था, क्योंकि फर्स्ट कॉल आपको यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो 100 इंटू 20 मतलब 2000 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल जितने से एक्चुअली वो ड्यू था वो कितना आपका है 2000 इंटू 20, 40000 से आपका ड्यू था। टू कॉल्स इन एडवांस 200 इंटू 30, क्योंकि 200 शेयर्स को आपको मिला नहीं था, कॉल्स इन एडवांस सॉरी जो आपको मिल चुका ऑलरेडी वो का क्या है कॉल्स इन एडवांस 200 इंटू 30, मतलब मैं फाइनल कॉल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, वो आपका हो जाएगा 6000 रुपये। तो बैलेंसिंग का जो आपका बच जाएगा वो आपका आया 44000। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो आप नीचे वाली एंट्री कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाली एंट्री से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कॉल्स एडवांस का अमाउंट कितना है, कॉल्स एडवांस का अमाउंट कितना है, और जो बैलेंसिंग अमाउंट आपका बच जाएगा वो आपका आएगा बैंक वाला उसमें, बैंक वाले साइड में। तो आई होप कि अच्छे से वो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहीं पर आपका 18 क्वेश्चन खत्म होता है, एग्जाम्पल सॉरी पेज असाइनमेंट रिसेंटमेंट आपको दे रखा है, बुक रिव्यूअल है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले बताया था इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन में ऐसा कोई पोस्ट आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो दोस्तों आगे आ जाइए, आप पेज नंबर आपका 7.39 एग्जांपल नंबर 19 है, शुरू कर लेते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। ऑन 1/1/2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर बिकेम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कामनी लिमिटेड। दोस्तों कामनी लिमिटेड ने यहाँ पर इशू करे हैं शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 3 रुपये की यहाँ पर वैल्यू है फर्स्ट कॉल की। अ होल्डर ऑफ 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ, एज पर द कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, जो पैसा आपको टाइम पे नहीं मिलता क्या कराएगा आपका वो कॉल्स इन अरियर्स। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 500 इंटू 3 का मतलब क्या है 1500 आपका हो गया कॉल्स इन अरियर्स। वही दो तरीके विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन अरियर्स, विद ओपनिंग द कॉल्स इन अरियर्स। ओके, अर्जुन अ शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। ओके दोस्तों यहाँ पे आपका वही सब वही हुआ है पहले आपका पिछले एग्जांपल की तरह, कि एक केस में आपका कॉल्स इन अरियर्स था और दूसरे केस में क्या हुआ कॉल्स इन एडवांस। अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने आपको फाइनल कॉल का पैसा आपको ऑलरेडी दे दिया है, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ फाइनल कॉल के लिए आपके पास हो गया कॉल्स इन एडवांस और फर्स्ट कॉल के लिए आपके पास हो गया कॉल्स इन अरियर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वही केस है जो आपको पहले पढ़ के आए हो 18 में आपका फर्स्ट प्लस क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपल आप एंट्री की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये नीचे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव बाय द ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। दोस्तों साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन एग्जांपल में कि आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट खोलना है, विच मीन्स कि आप सेकंड वर्ड अडॉप्ट कर रहे हो कॉल्स इन अरियर्स का, जहां पर लिखा हुआ था विद ओपनिंग द कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, शुरू कर लेते हैं अपन। दोस्तों पहले वाले केस में जो आपका बैंक एंट्री वही बनेगी पहले की तरह, कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों बैंक वाला अमाउंट अभी हम निकालेंगे बैलेंसिंग से। दूसरे केस में आ जाइए कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितने है आपका 500 इंटू 3, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 500 शेयर्स पे आपको जिसको आपने दिए थे करण को उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका मतलब क्या है वो कॉल्स इन अरियर्स। तो कितना आ जाएगा 500 का मतलब क्या है 500 इंटू 3 मीन्स 1500 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो दोस्तों आपका आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। आगे आ जाइए टू शेयर फर्स्ट कॉल। दोस्तों एक्चुअल अमाउंट जो आपका ड्यू था फर्स्ट कॉल में वो आपका हमेशा आता है यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो कितना आ जाएगा वो आपका था 1 लाख इंटू 3, वो आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए से। दोस्तों मैंने अभी तक कुछ नहीं सेम सब कुछ आपका सेम चल रहा है पहले की तरह, पहला आपका कॉल्स इन अरियर्स था, दूसरे केस में आपका टू शेयर फर्स्ट कॉल है। अब आ जाइए टू कॉल्स इन एडवांस में, जो एक्चुअली अमाउंट आपका एडवांस मिला है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये दे रखा है आपको 1000 शेयर्स 5 रुपये की वैल्यू है, 1000 इंटू 5 कितना आ गया आपका 5000 रुपये। तो दोस्तों क्रेडिट साइड कंट्रोल कर लीजिए कितना आ जाएगा 3 लाख 5 हज़ार रुपये, डेबिट साइड का बैलेंस कितना दे रखा है 1500 रुपये, बैलेंस निकाल लीजिए वो आपका आ जाएगा बैंक के अमाउंट में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, अगर शेयर एंट्री का क्वेश्चन आपको आता है शेयर्स वाली कॉमन एक एंट्री का क्वेश्चन, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आएगा। प्लस ये एग्जांपल बुक में CBSE 2016 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों यही आपका पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, आई होप कि आपको एंट्री से समझ में आ गई होगी। पहला पार्ट दोस्तों आपका कॉल्स इन एडवांस का था, कॉल्स इन एरियस का पार्ट था, इन्होंने एक जगह पर लिखा हुआ भी है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियस आपको एक ही में रिकॉर्ड करना है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो आई होप कि आपको अमाउंट समझ में आ गए होंगे, एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पे आपका शेयर का फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, शेयर का सेकंड पार्ट आपको जल्द से मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल भी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कॉमर्स पाठशाला चैनल।